नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो कलकत्ता शहर को देखते हुए बनाया गया है और यहाँ की लोकल बस में हमने ये वीडियो बनाया है। आप भी पूरा वीडियो देखें और इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें। इस वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज से ये वीडियो शुरू हुआ है और हावड़ा ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे और आगे सियालदह रेलवे स्टेशन तक का सफर करने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में। इससे पहले के वीडियो की बात करें तो कल मैं यहाँ कलकत्ता पहुंचा हूँ और बालासोर से उड़ीसा का बालासोर ट्रेन के द्वारा कलकत्ता पहुंचा और ट्रेन मेरी मुझे शालीमार स्टेशन जो यहाँ हावड़ा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है और वहाँ से सिटी बस से मैं यहाँ हावड़ा आ गया था और हावड़ा में मैंने जहाँ से अभी बस शुरू हुई है यहीं पास में ही मेरा होटल है, यहाँ मैंने होटल ले लिया था और अभी कलकत्ता को एक्सप्लोर करने के लिए हावड़ा ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। हावड़ा ब्रिज काफी लंबा है और एक अलग ही अनुभव हमें इसको देखकर होता है। आप देखें तो काफी बड़ा और काफी चौड़ा ये हावड़ा ब्रिज है। कोस्टल भारत की मेरी यात्रा का ये पड़ाव अभी कलकत्ता पहुंच गया है और अगले 2 दिन कलकत्ता में रुकने के बाद आगे के सफर के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे कलकत्ता को एक्सप्लोर करना है और हमें कलकत्ता में सिटी बस से अभी हम चल ही रहे हैं और जो पानी का बोट जो यहाँ ये जो नीचे जो हुगली नदी है इसे क्रॉस कराता है बाबू घाट तक, उस का सफर भी करेंगे जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद ट्राम का सर्विस भी हम लेने वाले हैं, ट्राम की सवारी भी हम करने वाले हैं क्योंकि ट्राम कलकत्ता में ही चलती है और कहीं भारत में और नहीं है अभी। और कलकत्ता में भी पहले पूरे कलकत्ता में थी ऐसा बताते हैं, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड ही चलती है और एक धरोहर के रूप में उसे रखा गया है बचा के, जिससे जो ट्राम देखना चाहें, ट्राम का आनंद लेना चाहें या ट्राम को देखना चाहें, ट्राम की जर्नी करना चाहें, तो उनके लिए एक धरोहर के रूप में, क्योंकि ये कलकत्ता में शुरू से ही थी और पूरे कलकत्ता में ट्राम की लाइन बिछी हुई है ऐसा मुझे बताया गया था। ये देखें आप नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राम की ही लाइनें हैं, लेकिन सब जगह ट्राम नहीं चलती है, सब जगह अभी सिटी बसें या फिर यहाँ की लोकल जो है उसका भी सफ़र करने वाले हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर मेट्रो भी है, वो मेट्रो का भी सफ़र करेंगे और उसका भी आपको आगे वीडियो मिलेगा। तो ये हमारा जो सफ़र है बड़ा बाजार होते हुए, बड़ो बाजार जिसे बोलते हैं, और ये हो रहा है और ये आगे सियालदह रेलवे स्टेशन तक हम जा रहे हैं। सियालदह तक इस पूरे सफ़र में ये पूरा मार्केट का एंजॉय हम करेंगे और उसके बाद अगला सफ़र के लिए निकलेंगे। यदि हमें कलकत्ता घूमना हो तो मेरे हिसाब से कलकत्ता के लिए आपको कम से कम 4-5 दिन या एक हफ्ते का पूरा प्लान बना के और यहाँ आना होगा, जिससे बेसिक हम कलकत्ता को समझ सकें, एक जो टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो चीज़ें हैं उन्हें हम देख पाएँ, तो उसके लिए कम से कम आपको एक हफ्ता तो चाहिए। मैं 2 दिन या 3 दिन रुकने वाला हूँ और उसमें हो सकता है मैं पूरा नहीं देख पाऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है कलकत्ता, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो दोबारा से इसे जो बाकी रह गया उसको ज़रूर देखेंगे।
ये हमारा वीडियो आप देखें तो अभी सियालदा के हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, जिससे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और तो इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।